नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। कोटद्वार रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का प्रधानमंत्री ने VC के माध्यम से किया शिलान्यास। कोटद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोटद्वार रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग और फुटओवर ब्रिज का वर्चुअली शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VC के जरिए कार्यक्रम से जुड़े उत्तराखंड के कोटद्वार रेलवे स्टेशन समेत दूसरे अन्य प्रदेशों के 554 रेलवे स्टेशनों की बिल्डिंगों का शिलान्यास किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें सांसद तीरथ सिंह रावत, दर्जाधारी राज्य मंत्री राजेंद्र अंथवाल, मंडी समिति अध्यक्ष सुमन कोटनाला, मुरादाबाद रेलवे के मंडलीय प्रबंधक राजकुमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल, मंडी समिति कोटद्वार के अध्यक्ष सुमन कोटनाला, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, उमेश त्रिपाठी, कोटद्वार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक कमल सिंह नेगी, रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य गौरव गोदियाल आदि मौजूद रहे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग भव्य और सौंदर्यकरण के साथ बनाई जा रही है, जिसमें यात्रियों के बैठने से लेकर लिफ्ट की भी व्यवस्था होगी। साथ ही नई इमारत में आधुनिकता से लैस प्रतीक्षालय और लाउंज की भी व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि नई इमारत में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा होगी, साथ ही फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा एक्सलेटर का भी निर्माण किया जाएगा। 554 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है। उसमें कोटद्वार स्टेशन भी एक है, जो 30 करोड़ की लागत का ओवर ब्रिज बनेगा, जिसका लाभ काशी रामपुर सनई आपका लाल पानी लोग लेंगे, आएंगे रेल में चढ़ेंगे, रेल से उतरेंगे, उधर घूम के न जाकर सीधे अपने घर तक पहुंचेंगे। ये सुविधा दी है, बिल्डिंग भी उसमें है। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौगात हमको दिया है। उसके लिए आप सब की ओर से, अपनी ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे। ये सौभाग्य से पूरे देश में ही भारत विकसित यात्रा अमृत काल के तहत अमृत योजना जो रेलवे की के लिए 554 स्टेशनों का जीर्णोद्धार और ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने का एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम लाखों लोगों ने एक साथ इसको देखा है। माननीय मोदी जी ने हमारे कोटद्वार को भी ये सौभाग्य दिया है कि एक विकसित स्टेशन यहाँ बने, मॉडल विकसित, जिससे कि हमारी जो समस्याएं हैं पर्यटन की, वो जो संभावनाएं हैं उनको बल मिलेगा, और साथ ही जो हमारा तरुण आश्रम है उसको भी पहचान एक नए स्तर पर मिलेगी और उसका विकास होगा। अभी यहाँ 30 करोड़ से ज्यादा की योजना है इस स्टेशन को विकसित करने के लिए है, और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये सबसे पहली बात यह है कि आज तक जो काम होते थे, आज घोषणा हुई 3-4 साल में उस पर एक बजट हुआ, फिर उसके बाद 3-4 साल बाद कहीं शिलान्यास, फिर 3-4 साल बाद वो दिखाई नहीं देता। आज बिल्कुल टाइमली अभी देखना आप 6-8 महीने के अंदर स्टेशन खड़ा नजर आएगा, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे छोटा सा जो राज्य है उसकी तरफ उनका विशेष लगाव और विशेष ध्यान रहता है कि हमारा प्रदेश सबसे विकसित प्रदेश बने, प्रथम प्रदेश बने। इस भावना के साथ आज जो कार्यक्रम हुआ, मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मोदी जी का और उनकी कैबिनेट का आभार प्रकट करता हूँ।